वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आज की वीडियो में मैं दो चीज़ें बताऊंगी, पहले जैसे कि अक्टूबर के एग्जाम डेट्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट, और सेकेंड 11 सितंबर की डिटेल में प्रोडक्शन वीडियो। जैसे कि रजे काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही है, जैसे काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हम 16 का एग्ज़ाम फिल कर देंगे, तो वो जब वो एग्ज़ाम फिल करने के लिए जाते तब उन्हें पता चलता है कि 16 का एग्ज़ाम फिल नहीं हो सकता, बिकॉज 25 उन्हें जो डेट मिल रही है वो 25 की मिल रही है। जब वो सोचते हैं कि अपने पेरेंट्स से पूछेंगे और तब वो एग्ज़ाम फिल कर देंगे, तो क्या होता है कि 25 डेट की भी जो 25 डेट है वो भी ऑलरेडी बुक हो चुकी है होती है। तो दिक्कत इस टाइम क्या आ रही है बच्चों को, जैसे कि अब ब्रिटिश काउंसिल तो रानी इंडिया में, तो IDP ही जो अकेला डिस्ट्रीब्यूटर है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि रजे वेन्यू की और सेंटर नंबर्स की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से स्टाफ भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। पहले स्टाफ इक्वल डिवाइड हो जाता था क्योंकि बिकॉज ब्रिटिश काउंसिल भी थी, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। अब अकेला ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम बुक करना चाहिए वो एटलीस्ट रजे 15 to 18 डेज पहले बुक कर लेना चाहिए। जैसे कि अब अक्टूबर की भी बुकिंग चल रही है, तो काफ़ी बच्चों को अक्टूबर में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिए। और साथ के साथ अब हम 11 सितंबर की प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि रजे, मेरे को वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैम आप अक्टूबर की प्रेडिक्शन बना दो, आप अक्टूबर की प्रेडिक्शन बना दो। तो मैं अक्टूबर की प्रेडिक्शन अभी इसलिए नहीं बना रही, बिकॉज क्या होता है कि मैं व्यूज़ के लिए रजे प्रेडिक्शन ऐसे 2 महीने पहले प्रेडिक्शन डाल दूँ। जैसे कि रजे आप एग्ज़ाम्पल देकर समझाती, 4 सितंबर का एग्ज़ाम किसी को भी नहीं पता था कि रीडिंग का जो लेवल होगा वो इतना ज़्यादा टफ आएगा। जैसे कि सबको ऐसा था कि जो रीडिंग का लेवल आएगा वो इजी आएगा, बट रीडिंग का जो लेवल आया वो टफ आया था। तो रजे मैं व्यूज़ के लिए प्रेडिक्शन वीडियो ऐसे नहीं बनाती, तो मैं एग्ज़ाम के कुछ दिन ही पहले बनाती हूँ, तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। और समटाइम्स रजे क्या होता है कि जो प्रेडिक्शन हम इतनी देर पहले बना देते वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं होती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बाद में बच्चे बोलते हैं कि हमने आपकी प्रेडिक्शन वीडियो देखकर एग्ज़ाम फिल कर दिया। नहीं रजे, आप पहले प्रेपरेशन कीजिए उस चीज़ के रिगार्डिंग, उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, फिर एग्ज़ाम बुक कीजिएगा। जैसे कि अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिसनिंग का जो लेवल आएगा वो आएगा ईजी, और जो साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, लिसनिंग के लिए जो कॉमन वर्ड्स रिपीट होते हैं वो वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, और जो बैकग्राउंड स्पीड आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं, Part 1 and 2 के लिए 1.25x एंड Part 3 and 4 के लिए 1.5x। जैसे कि रीडिंग के लिए आप मेरी मास्टर वीडियो चेक कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और साथ के साथ काफ़ी बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी, जो फाइनल एग्ज़ाम में रीडिंग आती है वो मोस्टली इन वेबसाइट में से ही आती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उसका लिंक वीडियो का कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। 28 अगस्त का जो रजे एग्ज़ाम आया था रीडिंग का, वो उसी वेबसाइट में से आया था। अब हम रीडिंग के लेवल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जो रीडिंग का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही आएगा, बिकॉज 4 सितंबर को रीडिंग का लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ आ चुका है, तो ये सेकेंड टेस्ट है मंथ का, तो ईजी ही आएगा, ईजी टू मॉडरेट। अब हम राइटिंग टास्क 1 के बारे में बात करते हैं। राइटिंग टास्क 1 जो आ सकता है वो होगा बार, पाई, लाइन, ये आ सकता है। और राइटिंग टास्क 1 के टेम्पलेट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 के बारे में। जैसे कि राइटिंग टास्क 2 आ सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव, एग्री और डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव यू ऑन ओपिनियन, ये तीनों टाइप में से कोई भी आ सकता है। और आप मेरी राइटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।